हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। अमरावती के शजर कोचिंग क्लासेस में 10वीं में गुणवत्ता प्राप्त छात्रों का किया गया सत्कार। सूबेदार फाउंडेशन अमरावती की ओर से गुणवत्ता प्राप्त छात्रों का सत्कार किया गया। यूनिवर्सिटी के सदर तरसेल साहब खुशी के लिए शजर कोचिंग क्लास के सदर सूबेदार फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी अख्तर हुसैन, गौस मोहम्मद सर, अशफाक सर और नूर बाबू की उपस्थिति में हुआ प्रोग्राम। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और उनके पालकगण व स्टाफ उपस्थित था।
घर के बच्चियों ने और लड़कों ने मेरी खुद पर मात लेकर अपना प्रशिक्षण कराया है और उम्मीद करता हूँ कि बाद में भी इंशाल्लाह ताला इससे अच्छा प्रशिक्षण दिखाएंगे और उसके बाद में सब आपके मार्ग दर्शन। अमरावती जिला कांग्रेस अनुसूचित विभाग की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया निवेदन, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। सर्वांना जय भीम, नमस्कार। मी सागर कलाने, अमरावती जिल्हा अध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग जिल्हा काँग्रेस कमिटी। आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देऊन त्यांना साकळ घालण्यासाठी आज इथे सर्व पदाधिकारी सह उपस्थित झालो। माझ्यासह आमच्या प्रदेशच्या महासचिव सहयोजिका मान्य अश्विनीताई थोरात, त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे प्रभारी जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष तात्यासाहेब खंडारे, आम्ही सर्व पदाधिकारी त्या पद्धतीने आज इथे आलो। कारण गेल्या ते साहेबांना निवेदन दिले की या गोरगरीब जनतेचं जे आज हतबल झाले आहे, या कोरोना परिस्थितीमध्ये जे ज्यांचं हात जीवन सगळं हातावरती आहे, त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली आहे, त्या लोकांना त्यांचं वीज बिल हे माफ करण्यात यावं अशी आम्ही शासनाला विनंती केली होती। मान्य आमचे ऊर्जा मंत्री नितीनजी राऊत यांना आम्ही नम्रपणे विनंती केली आणि सातत्याने आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो। आमचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विजयजी अंबोर आणि लवकरात लवकर या गोरगरीब जनतेचं वीज बिल लवकरात लवकर माफ होवे अशी आमची नम्र विनंती आहे। हे आमचं आंदोलन आज साकळ आंदोलन आम्ही संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने करतो आहे। धन्यवाद। पुलिस ने की चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्यवाही, 76,800 रुपये का चाइनीज मांझा किया जब्त। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।